तो प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन को कैटेगोरिकली डिफाइन किया जाए तो दो किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, एक है लीनियर और एक है एजाइल। लीनियर वाले को हम कहते हैं वाटरफॉल, पानी को ऊपर से गिराओ वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते 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 नीचे। तो लीनियर क्या है कि एक काम होगा तो उससे दूसरा काम होगा, दूसरा काम होगा तो तीसरा काम होगा, तीसरा काम होगा तो चौथा काम होगा, इसे कहते हैं लीनियर। लीनियर को अगर बाय डेफिनेशन हम पढ़ें तो लीनियर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आल्सो नो दैट वाटरफॉल मॉडल इज ए सीक्वेंशियल एंड स्ट्रक्चरल अप्रोच टू द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। कि भाई धागे को पकड़ा, धागे को डाई किया, डाई करने के बाद कपड़ा बना, कपड़ा बनने के बाद कटेगा, कटेगा फिर सिलेगा, सिलेगा बाद बिकेगा। तो ये क्या लीनियर अप्रोच। इट इन्वॉल्व डिस्टिंक्ट स्टेजेस लाइक प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिलीवरी एंड ईच स्टेज डिपेंड ऑन द कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस वन। दिस मेथड इज बेस्ट सूटेड फॉर द प्रोजेक्ट विद वेल डिफाइंड अनचेंज रिक्वायरमेंट। जिस तरह एक जनरल एग्जांपल ब्रिज बना रहे, ब्रिज बना रहे हो, आपने कहा पहले पोल बनेंगे, पोल बनने के बाद उन पोलों के ऊपर बेस बनेंगे, उन बेस के ऊपर ब्रिज का स्ट्रक्चर खड़ा होगा तो ब्रिज। तो ये क्या है, ये लीनियर अप्रोच है। एजाइल अप्रोच डिफरेंट है। एजाइल अप्रोच क्या है, एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज एन आइट्रेटिव एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू मैनेज प्रोजेक्ट। जब हम कहते हैं ना आइट्रेटिव एंड फ्लेक्सिबल, Iterative का मतलब है जो बार बार रिपीट हो रही है, और flexible का मतलब है there is a room for change. So there is a possibility that you can change according to the system requirement or according to the customer feedback. It breaks the project into smaller tasks or periods where the work is done in short time boxed cycle. This allow for continuous feedback, adoption and incremental delivery of the work product component. Agile is ideal for project where the scope or the requirement may evolve over time, allowing team to respond to change quickly and efficiently. For example, आप एक institute चलाते हैं, आप उसके अंदर एक course कराते हैं, स्टूडेंट आते हैं, स्टूडेंट कहते हैं भाई हमें नहीं मजा आया, आप स्टूडेंट से फीडबैक लेते हो, स्टूडेंट कहते हैं भाई ये होना चाहिए, आप उस फीडबैक की वजह से कोर्स को चेंज करते हो, चेंज करने के बाद दोबारा कोर्स चलाते हो, अब आपने इंप्रूव कर दी। अब वो जो इंप्रूवमेंट है वो एजाइल में पॉसिबल है, लीनियर में पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्राफिकली देखो तो एजाइल क्या है, क्या है भाई आपने इसके अंदर रिव्यू और रिवाइज ये कॉन्सेप्ट डालना है, जबकि वॉटरफॉल में क्या है, आपने कहा रिक्वायरमेंट सुनी, आपने डिजाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, मेंटेन किया, अलाफ। एजाइल में क्या है, रिक्वायरमेंट सुनी, डिजाइन किया, डेवलप किया, एग्जैक्टली लाइक लीनियर, आपने उसको टेस्ट किया, डिप्लॉय किया, रिव्यू किया। आप देखो रिव्यू जो हुआ वो क्या था, फीडबैक कि भाई क्या ये वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो उसको दोबारा रिवाइज किया, और अगर फुलफिल कर रहा है तो उसे लॉन्च कर रहा। तो जो एजाइल का और लीनियर का स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें आते हैं वो क्या है, भाई इसका फिजिकल स्ट्रक्चर ही चेंज है। लीनियर क्या कहता है, फॉलो अ सीक्वेंशियल प्रोसेस वेयर ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट। फेजेस इंक्लूड रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग एंड मेंटेनिंग। इन इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर विद लिटल टू नो फ्लेक्सिबिलिटी वंस अ फेज इज कंप्लीट। एजाइल क्या है, एम्फसाइज आइट्रेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। द प्रोसेस इज ब्रोकन इनटू स्मॉल साइकिल और स्पिरिट। ईच स्पिरिट फोकस ऑन डिलीवरिंग अ वर्क प्रोडक्ट इंक्रीमेंट दैट इज रिव्यूड एंड एडजस्ट। एजाइल इज अ फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर अलाउइंग चेंजेस एंड रिफाइनमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। सेकेंड चीज क्या है, प्लानिंग। प्लानिंग प्रोसेस भी दोनों का चेंज होता है। लीनियर में क्या होता है, प्लानिंग इज डन अप फ्रंट एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन इज रिक्वायर्ड। पहले स्टेप में ही आपने प्लानिंग कर दी। चेंज टू द प्रोजेक्ट स्कोप और द रिक्वायरमेंट आर चैलेंजिंग आफ्टर द प्लानिंग फेज इज कंप्लीटेड। एक दफा आपने प्लानिंग फेज कर लिया, आप चेंज नहीं कर सकते। एजाइल में क्या होता है, प्लानिंग इज ऑन गोइंग एंड अडॉप्टिव। चेंजेस आर एक्सपेक्टेड एंड हैंडल थ्रू कंटिन्यूअस लिटरेचर या कंटिन्यूअस आइट्रेशन। Requirement can be evolved based on the customer feedback, market conditions and other functions.
तो ये अदर फैक्टर्स आ गए, तो ये जाइल में डिपेंडेंट होते हैं। फिर डिलीवरी आ गई, डिलीवरी प्रोसेस भी दोनों का चेंज है, लीनियर में क्या होता है, द फाइनल प्रोडक्ट इज डिलीवर्ड एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट वंस ऑल फेजेस आर कंप्लीटेड, देयर इज यूजुअली नो यूजेबल प्रोडक्ट अंटिल द प्रोजेक्ट इज फाइनली कंप्लीटेड। एजाइल क्या होता है, डिलीवर स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ प्रोडक्ट रेगुलरली आफ्टर ईच पीरियड और आइट्रेशन। हमने थोड़ा सा काम किया भाई जान, ये ले लें आप थोड़ा सा काम किया भाई जान, a usable portion of the product is provided to the stakeholder after each cycle allowing early feedback and improvement, customer involvement। linear mein kya hota hai, customer are usually only involved at the beginning, requirement gathering and end final delivery of the project, limited opportunities for feedback during the development। agile mein kya hota hai, continuous customer involvement throughout the project, stakeholder review product increment after each period and provide feedback ensuring the final product aligned with the expectation, flexible। linear kya kehta hai, less flexible as follow as fixed plan, change nahi aa raha, any change to the scope or the requirement usually lead to the project delay or increased cost। agile kya kehta hai, highly flexible, allowing for the change at any point during the project, adjustment are made after each period making it suitable for the project with evolving requirement, sahi hai, risk management। linear kya kehta hai, risk is higher as issues may not be discovered until later stages of the project and fixes can be costly and time consuming। aapne design bana liya, aap design ko implement karne lage, पता चला ये डिजाइन ही गलत था, इसका मतलब क्या है कि रिस्क आप चेंज नहीं कर सकते। आपको एक जनरल एग्जांपल, मेट्रो केपीके बन रही थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिजाइन बना ली, उन्होंने एग्जीक्यूट किया, बाद में पता चला दो बसेस क्रॉस ही नहीं कर सकते, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता काम, फिर दोबारा प्रोजेक्ट को खोला, डिस्टर्ब किया, चेंज किया, डिस्टर्ब। एजाइल क्या होता है, रिस्क आर मैनेज कंटिन्यूसली, इश्यूज आर आइडेंटिफाइड एंड एड्रेस early in the process through regular testing and feedback, ठीक है। उसके बाद हम चले गए टीम collaboration, टीम क्या है, linear क्या कहता है, role and responsibility are clear with limited collaboration between the team during different project phases, often relies on the top to down approach। agile में क्या होता है, encourage cross function collaboration throughout the project, टीम वर्क्स क्लोजली टूगेदर विद रेगुलर कम्युनिकेशन एंड फीडबैक लूप, सही है ना, और ये कंप्लीट बात आ गई, यानी कि प्रोसेस प्लानिंग, डिलीवरेबल, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट और टीम कोलैबोरेशन। तो ये आपका ग्राफ आ गया, प्रोसेस सिक्वेंशियल होता है, एजाइल में आइटरेटिव होता है, प्लानिंग में डिटेल, लीनियर में डिटेल काम पहले दिन हो जाता है, और एजाइल में ऑन गोइंग होता है। लीनियर में जो फाइनल डिलीवरी मिलेगी, एजाइल में पार्ट्स भी डिलीवर हो सकते हैं। लीनियर में कस्टमर इन्वॉल्वमेंट मिनिमम होती है, एजाइल में कंटिन्यूअस होती है। लीनियर में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होने के बराबर होती है, एजाइल में बहुत ज्यादा होती है। रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप में रिस्क आ गया, प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत हैवी कॉस्टली होगा, एजाइल में रिस्क साथ साथ सही होता रहता है। और टीम कोलैबोरेशन, लिमिटेड कोलैबोरेशन होती है लीनियर में, और एजाइल में क्रॉस फंक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा है।